नगरच्या रांगड्या मातीत जन्मलेला रांगडा कलाकार अखेर कालवश झाला। सदाशिव आमरापूरकरांच्या जाण्याने सिनेसृष्टीला आणि पर्यायाने नगरकरांना एक मोठा धक्काच बसला। सदाशिव आमरापूरकरांनी जरी हिंदी मराठी ही सिनेसृष्टी गाजवली असली तरी त्यांची सामाजिक नाळ नगरशी जोडली गेलेली होती। सदाशिव दत्तात्रय आमरापूरकर यांचा जन्म 11 ऑगस्ट 1950 शेवगाव तालुक्यातील आमरापूर येथे झाला। ब्रिटिश काळापासून आमरापूरकर यांचा परिवार नोकरीच्या निमित्ताने नगर येथे स्थिरावला। सदाशिव आमरापूरकर यांचं शालेय शिक्षण भाऊसाहेब फिरोदिया प्रशालेत तर महाविद्यालयीन शिक्षण अहमदनगर कॉलेजमध्ये झालं। अहमदनगर नाम का एक शहर है, बहुत पुराना, जिसे बहुत ही ऐतिहासिक शहर है, उस गांव में गुजरा। मतलब हम उसको बहुत बड़ा गांव ही कहेंगे, शहर नहीं कहेंगे, लेकिन वहाँ पढ़ने के लिए विद्यालय थे, महाविद्यालय थे। उसी गांव में मेरा जन्म हुआ, उसी में मेरा बचपन गया, उसी में मेरा जो पढ़ाई थी स्कूल की वो हुई वहाँ, जो कि अभी वो स्कूल उस वक्त डॉक्टर रानड़े ने शुरू किया था, गोपाल कृष्ण रानड़े, जिसको अभी 150 साल के ऊपर हो गए हैं। और फिर वहाँ अहमदनगर कॉलेज था, वहाँ मेरी ग्रेजुएशन तक पढ़ाई हुई, और उसके बाद पुणे यूनिवर्सिटी से मैंने एमए हिस्ट्री है। हमारे अहमदनगर कॉलेज में वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन हुआ करती थी कि उस कॉलेज के बच्चों ने ही नाटक लिखना है, उन्होंने दिग्दर्शित करना है और उन्होंने एक्टिंग करनी है, लड़के और लड़कियों ने। और उस वक्त स्कूल में मैं नाटकों में इंटरेस्ट रखता था लेकिन काम बहुत कम किया था, और मेरा सारा ध्यान क्रिकेट की तरफ था। मैं स्कूल में काफ़ी क्रिकेट खेला, बल्कि जब मैं कॉलेज गया तो वहाँ दो कॉलेजेस थे, तो उनमें कंपटीशन लगी कि वो किस में जाए क्रिकेट खेलने के लिए, और मैं अहमदनगर कॉलेज में गया। तो उन लोगों को बड़ी खुशी हुई कि ये लड़का आया, ये अच्छा क्रिकेट खेलता है, बैटिंग करता है, लेफ्ट स्पिनर है, लेग स्पिनर है। तो मुझे भी लगा कि मैं क्रिकेट ही खेलूँगा, और ये कंपटीशन में मुझे हिस्सा लेने का चांस मिला, और मुझे पहली बार कंसोलेशन प्राइज़ मिला वन एक्ट प्ले कंपटीशन में। और मुझे लगता है वही एक दिशा थी कि मैं क्रिकेट से टर्न होके एक्टिंग में। सदाशिव आमरापूरकर हे जितके प्रभावी कलाकार तितकंच सामाजिक प्रश्नांचं देखील त्यांना भान होतं। अण्णा हजारेंचं आंदोलन असो वा सामाजिक समस्यांवर उघडपणे भाष्य करणं, आमरापूरकरांनी हिरहिरीनं आपला सहभाग यामध्ये नोंदवला। हर चीज अपने आप करो, ये मेरे माँ बाप करेंगे, ये मेरे भाई करेंगे, ये मेरे शासन करेगा, पॉलिटिकल लोग करेंगे, या जिसको हम कहते हैं कि इंस्टीट्यूट करेगी, एजुकेशन करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपने बलबूते पर ही खड़ा रहना है, और वहीं से ही आपकी ताकत है। दूसरे के गर्दन मतलब बाहों पे गर्दन रख के आप जिंदगी चलोगे तो आपकी गर्दन कब कट जाएगी पता नहीं चलेगा, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से अब आपके आने वाले दिन, हमारी तो जिंदगी आधी के ऊपर कट गई, लेकिन आने वाले दिन उनके लिए बहुत महंगे हैं। अभी आज तक मैं जिया, मैंने एक पाई का उधारी नहीं किया, ना कुछ कर्ज से लिया, लेकिन आजकल मैं देखता हूँ कि लोगों को 30-40 हज़ार पगार मिलता है, बैंक से लोन मिलता है, झटके में एक छोटा सा फ्लैट खरीदते हैं, छोटी सी गाड़ी खरीदते हैं, फ़ोन खरीदते हैं, ये खरीदते हैं, वो खरीदते हैं, क्योंकि हर चीज़ कर्जे से मिलती है। लेकिन उनको मालूम नहीं कि ये अपना रिवाज नहीं है। कर्जा लेना, कर्ज के बोझ के नीचे दबना अपना रिवाज नहीं है, और फिर उस कर्ज को मिटाने के लिए वो जो रैट रेस में पड़ जाते हैं, कमाल की चीज है। सात्विक अभिनेता एवढंच म्हणता येणार नाही, येणार नाही, तर एक सच्चा समाजसेवक आमच्याकडून गेला,
सच्चा समाज सेवक आमच्यातून हरपलेला आहे. आमच्या आंदोलनामध्ये अनेक वेळेला त्यांनी पाठिंबा व्यक्त केला, अनेक वेळेला ज्या ज्या चळवळी होता आणि त्यांना योग्य वाटलं तिथे त्यांनी पाठिंबा दिला. परशुराव अमरापूरकर यांना मोक्ष मिळालेलाच आहे. त्यानंतर हा नगरचा सुपुत्र मुंबई स्थिरावला, तरीही तो आपल्या मायभूमीला विसरला नाही हे सदाशिव आमरापूरकरांच्या योगदानातून लक्षात येतं. नगरच्या ऐतिहासिक वस्तू संग्रहालयाला आमरापूरकरांनी मोठ्या प्रमाणात योगदान मिळवून दिलं. सर्जेपुऱ्यातील नाट्यभवनाची झालेली दुरावस्था पाहून त्यांनी मोठी चळवळ उभारली. आमरापूरकरांचं आपल्या शाळेशी अनोखं नातं जोडलं गेलेलं होतं. नगरला आल्यावर ते आवर्जून या शाळेला भेट देत. मैं स्कूल में काफ़ी क्रिकेट खेला, पर कि जब मैं कॉलेज गया तो वहाँ दो कॉलेजेस थे तो उनमें कंपटीशन लगी कि वो किस में जाए क्रिकेट खेलने के लिए. और मैं अहमदनगर कॉलेज में गया तो उन लोगों को बड़ी खुशी हुई कि ये लड़का आया, ये अच्छा क्रिकेट खेलता है, बैटिंग करता है, लेफ्ट स्पिनर हैं, लेग स्पिनर हैं. तो मुझे भी लगा कि मैं क्रिकेट ही खेलूँगा और ये कंपटीशन में मुझे हिस्सा लेने का चांस मिला और मुझे पहली बार कंसोलेशन प्राइज़ मिला वन एक्ट प्ले कंपटीशन में. और मुझे लगता है वही एक दिशा थी कि मैं क्रिकेट से टर्न होके एक्टिंग में जुट गया. सदाशिवजींच्या पुढाकारातूनच शाळेत वेद प्रबोधन परिषद ही संकल्पना चालू झाली. मात्र त्यांचं हे वेगळेपण कर उपस्थित होते. आपल्या अष्टपैलू अभिनयानं सिनेसृष्टीत दबदबा निर्माण करणारे, सामाजिक कार्याचे भान असणारे आपले लाडके कलाकार सदाशिव आमरापूरकर यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली. सी24 साठी प्रतिनिधी सौरभ गायकवाड, अहमदनगर.